आसान मजेदार लजीज आज का खाना भी तारिफ दाऊद। और आज का खाना भी तारिफ दाऊद में आज हम बना रहे हैं चिकन तवा कीमा। तवे पे बनेगा बड़ा जबरदस्त किस्म का कीमा, और कैसे बनेगा उसके लिए चलते हैं किचन में। आप भी मेरे साथ चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आ गए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तवा कीमा बनाने के लिए। चिकन तवा कीमा जरूरी नहीं है आप तवे में बनाएं, अगर आपके पास तवा है इस तरह का तो बनाएं, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ने मुझे ये कहा है कि हमारे पास ये बर्तन नहीं होते हैं जो आप यूज करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है किसी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाएं ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ इस स्टेज पे मैं सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून ही ऑयल लूंगा, क्योंकि मुझे एंड में इसकी मक्खन की गार्निशिंग करनी है। और 1 अदद प्याज, आधा किलो चिकन कीमा के लिए 1 प्याज ले लें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्याज से भी तवा कीमा का फ्लेवर नज़र नहीं आता। यहाँ प्याज को क्या करना है, हल्की सी गुलाबी करनी है, चलिए देखें हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई। इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर कीमा, चिकन का कीमा। अब इसे भी बहुत अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है, यहाँ तक फ्राई करना है कि ये भी लाल हो जाए। ये देखें चिकन का कीमा अमूमन जो है वो अपना पानी छोड़ता है, तो पहले तो इसे पानी को कलर तो चेंज कर दिया मगर पानी रिलीज किया है, पानी को ड्राई करेंगे, ऑयल बाहर आएगा तो इसकी फिर फ्राइंग अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरह से इसकी फ्राइंग करेंगे। अच्छा अब ये देखें लाल होना शुरू हुआ है, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल पहले ही शामिल किया था, कीमे ने अपना ऑयल जो है वो इसके अंदर ले लिया था, तो अब मैं थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसकी फ्राइंग कर रहा हूँ, यानी कि हमें इस कीमे को बहुत लाल करना है। और साथ में कीमा चूंकि अपनी गठियां बनाता है इस तरह से इसकी कुटाई करनी है। कीमा कतरे लाल हो गया, अच्छा बेहतरीन कीमा, और चूंकि ड्राई हो रहा था और यही है कि ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, और फ्राइंग का अमल नीचे चल रहा है। हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मैंने बहुत अच्छे लाल किस्म के और जो है वो बड़ी साइज के अपने टमाटर लेने हैं। यहाँ शामिल करें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और असल में कलर को ख़राब नहीं करना है तो हम इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो आप ले लें ग्रीन चिली, अगर फीकी वाली है, वरना तो फिर 1 टीस्पून लें अगर तेज़ वाली। यहाँ पे काली मिर्च, कुटी काली मिर्च वो भी 1 टीस्पून ले ली थी। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर का वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप ये गरम मसाला पाउडर वही बनाएं जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के आधा किलो कीमे के लिए धनिया पाउडर, और अभी फ़िलहाल हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं, फिर नमक को सेटल डाउन करेंगे। और इसकी अब जो है वो फ्राइंग व्राइंग कुछ नहीं करनी, इसको ढक्कन लगाना है और चूल्हे को करना है स्लो। सिर्फ टमाटर को नरम करने के लिए अब इसकी जो असल फ्राइंग होगी वो आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि तवा कीमा रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ड्राई ड्राई होता है। अब आपने क्या करना है कि इसकी फ्राई करनी है, और इसको फ्राई करके ये जो नीचे फ्लेवर्स इसके चिकन के या हमारी मसालों के नीचे चिपक जाते हैं उनको भी निकालना है। यहाँ फ्राई करने से पहले 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इस स्टेज पे ही शामिल करें ताकि फ्राइंग होते वक्त उसका कच्चापन दूर हो जाए। पहले से हम शामिल कर देते हैं दूसरे मसालों में, जब अदरक लहसुन मिल जाता है ना तो वो सही तरह फ्राई नहीं होता। बस इसकी अब जो है ना फ्राइंग का अमल शुरू हो गया, और इसको यहाँ तक फ्राई करना है जहाँ तक के टमाटर बिल्कुल गायब ना हो जाए। बस टमाटर देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आवाज़ें तवों की बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे कसूरी मेथी 1 टीस्पून यहाँ बिल्कुल एंड में शामिल किया हमने। थोड़ी सी हरी मिर्च गार्निश पे भी देंगे, मगर यहाँ मुझे
हरी मिर्च को पकाना है, थोड़ा सा धनिया भी यहाँ शामिल करना है, थोड़ा सा अदरक भी यहाँ शामिल करना है क्योंकि कुटाई होगी तो ये चीजें कुटाई में यकजान हो जाएंगी। किसी भी स्टील के चम्मच से, लकड़ी के चम्मच से कुटाई कर लें, जरूरी नहीं है कि यहाँ। और ये जो स्क्रैपर है ये बहुत चीपर प्राइस में मिलता है, अगर कटाकट के आपके पास कूटने वाले नहीं है तो आप ये कर लें, देख लें अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह और बारकल्ला, कितना कोई खूबसूरत इसका सीन है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मजीद फ्राई करेंगे और इसमें मक्खन शामिल करेंगे। बस देखें तमाम चीजों को कूट लिया, ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जो खुशबुएं आ रही हैं, जो इसकी फील आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत आ रही है। बस इसके अंदर शामिल करेंगे मक्खन, मक्खन एक टेबल स्पून मक्खन शामिल कर दें, और अगर खा सकते हैं, अगर मेरी तरह वजन ज़्यादा है तो ना खाएं, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास गुंजाइश है तो खाते रहें। और इसको अब करेंगे एक ज़बरदस्त सा प्रेजेंटेशन, मक्खन इसका पिघल जाएगा, तो आते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। देखा कि चिकन तवा कीमा कैसे बनता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल का आइकन जल्दी से प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी मिल जाए।